दिल्ली हरियाणा में ही नहीं राजस्थान के दो तिहाई विधानसभाओं में जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में। सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं, आप देवली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या टोंक पे जरूरत पड़ी तो आप प्रचार करेंगे सचिन पायलट के खिलाफ टोंक का? पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य करेंगे वो तो हम करेंगे, लेकिन बात ये जरूरी है कि राजस्थान में जो कुशासन चलाए इतने सालों से, पिछले 5 सालों से, उसको ठीक करने का समय आ गया। लोग परेशान, आप बात करो जैसे हम देवली नारे की अगर बात करें, पीने का पानी नहीं है, सरकार ने करा क्या है, जो 18 से 23 साल का जो लड़का है और जो 23 से 28 साल का जो लड़का है उसके जिंदगी में फर्स्ट वोटर और सेकंड वोटर यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना भविष्य सुधारने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए थे, करियर बनाने, उनकी तो जिंदगी ठप हो गई। 2018 में एक भी गुजर विधायक भाजपा से नहीं जीता था, अब आपको जो है यहाँ लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस सूरत में किस तरह के बदलते हुए समीकरण देख रहे हैं आप भाजपा के पक्ष में? तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के आएगा किसी भी समाज का वो जीते, किसी भी पार्टी से, किसी भी समाज से। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति किसी भी समाज का टिकट लेकर आएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चयनित करती है वो जीतेगा। आपकी कांग्रेस आपका भी विरोध हो रहा है कई जगह, बताओ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? परिवार की बात है, ठीक हो जाएगी। कब तक ठीक हो जाएगा? जल्दी ठीक हो जाएगा, उसमें क्या, कोई विरोध नहीं है, विचारधाराएं हैं सबकी, विचारधारा तो सेम ही है, भाजपा के लोग हैं, ऐसा है कि सब परिवार होती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी के अंदर चल रही गुड धरातल पर चुनावों में काफ़ी मुश्किल होने वाली है, वसुंधरा गुट अलग है क्योंकि जो मांगे थे टिकट नहीं दिए गए, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत अलग हैं, सतीश पूनिया को हटाया गया, क्या मानते हैं गुटबाजी कहीं ना कहीं धरातल पर नुकसान पहुंचाएगी? कोई गुटबाजी दिखती नहीं है साहब, आप कह के गुटबाजी बनाना चाहें तो बात अलग है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सबके सब कार्यकर्ता हैं। क्या आप नहीं मानते अगर CMS घोषित किया जाता है तो फायदा होगा या नुकसान होगा? हमारे जो नेतृत्व है माननीय मोदी जी कमल के फूल पर होगा। अपनों से लड़ना एक बड़ी चुनौती आपके लिए बना हुआ है, से बाद में लड़ेंगे, पहले कहीं ना कहीं अपनों से लड़ना है, लगातार फैसला गोबैक के नारे लग रहे हैं, कल भी टायर चले, परसों भी उनियारा में प्रदर्शन हुआ, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। मुझे तो नहीं लगता किस बात की चुनौती है, क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो वो इन चीज़ों में, पहली बात आप ये समझिए, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से हो रहा है, तो होता है, तो हर जगह है, चलता रहेगा। आज क्या दौरा है विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर? आधिकारिक पहला दौरा है आज आपका? हाँ, किस तरीके का? देखिए दौरा तो आज है, लेकिन दौरा तो कल से शुरू हो गया, पिछले बीते कल से। सीताराम जी पोसवाल मेरे सामने बैठे खड़े हैं, सीताराम जी पोसवाल और हम दोनों एक जूड़ी के दो बैल की तरह काम करेंगे। सीताराम जी पोसवाल की बात कर रहे हैं आप, तो ये भाजपा में कब से हैं? आप पूछिए इनसे, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब दीजिए, आप पूछिए। क्या जो ये विरोध आपका वो लगता है कि नियोजित है, पूरा नियोजित विरोध है, सुनियोजित विरोध है? देखिए मैं तो नहीं करना चाहता क्योंकि जो चर्चा करने लायक चीज है वो तो है ही नहीं। जरूरी बात यह है कि पिछले 5 साल का जो हाल हुआ है राजस्थान का, उसको ठीक करने का समय आ गया है, और सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे राजस्थान के जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये एक झटके में निकाल फेंकी। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से ऐसी कौन सी 5 प्रमुख बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप अगर विधायक हों तो करना चाहेंगे? मूल समस्या क्या क्या रहेंगे? देवली उनियारा एक ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, ग्रामीणों की 3-4 समस्या होती है, पीने का पानी, काश्तकारी के लिए पानी, जबरदस्ती के केस ना लगे, दादागिरी ना हो, जो जमीनों के काम है वो हो जाए, स्कूलों में शिक्षा देने के लिए टीचर पहुंच जाएं,
स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर मिल जाए, अस्पतालों में दवाइयां हो जाए, रोड बन जाए, और क्या चाहिए? बाकी हम खुद कर लेंगे, बहुत सक्षम है हम लोग। क्या हरीश जी ने ये काम नहीं किए पिछले 5 सालों में? मुझे तो लगता नहीं, अगर किए होते तो हम ये बात नहीं कर रहे हो, और अगर किए हैं तो बता दो कौन से कर। व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि यहां की बात कर लो, या आप करौली की बात कर लो, या ये बात आप वैर की बात कर लो, या आप आसिंद की बात कर लो। करा क्या है? कहीं कुछ नहीं करा। और पूरे 5 साल के आखिरी 3 महीने में फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश करी, जब कनस्तर खोलो रेवड़ी लिखा हुआ तो अंदर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज, 2018